देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। अब समझ में आया, जिस काम के लिए अपनी बेटी को इस घर में भेजा था आपने, वो काम शुरू हो गया। अभी दो दिन नहीं हुए आपकी बेटी को इस घर में आए हुए और पैसे मंगवाना शुरू भी कर दिया आपने। नहीं डैडी जी, ना ही मुझे और ना ही मेरे परिवार को आपके पैसों में कोई दिलचस्पी। किसी से छीन कर लेने की सोच नहीं है हमारी। और ये पैसे, ये वो पैसे हैं जो मेरी माँ मुझे देने आई थी मेरी जरूरतों के लिए। शर्दर, एक्चुअली मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। डैड भी ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं जानती थी आंटी, आपके पास कुछ नहीं मिलेगा, आप तो ऐसा काम कर ही नहीं सकती। बट डैड को कौन समझाए। एनीवे आंटी, चले ये लीजिए आपका बैग, ये लीजिए। मैंने कहा था ना कुछ नहीं मिलेगा उनके पास, नहीं मिला कुछ भी उनके पास, नहीं मिले कंगन। लेकिन आपके शक और तलाशी के चक्कर में मानवी की फैमिली की इंसल्ट जरूर हो गई। इट्स ओके सोनाली, अगर ये काम उपमन्यु के घर में हुआ होता तो वो भी यही करता जो मैंने किया, शायद इससे भी ज्यादा बुरा। भूल गई वो दिन किस तरह से उसने राहुल को झूठे इल्जाम में फंसाया था। पुलिस स्टेशन में क्या कहा था उसने कि एक्सीडेंट के वक्त राहुल गाड़ी चला रहा था। वो ज्यादा गलत था या ये ज्यादा गलत है? बोलो। कंगन उनके पास नहीं मिले लेकिन घर में चोरी हुई है। और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे घर में ऐसी हरकतें हों। Absolutely right, अंकल। मेरा प्लान ही तो आपने सक्सेसफुल कर ही दिया है और अब मेरे प्लान बी की बारी है। क्या हुआ? उस वार्ड में मेरे पति हैं, वो ठीक तो है ना? मिसेस चैटर्जी, हाँ। हम कब से आपको फोन करने की कोशिश कर रहे थे। अंदर जो पेशेंट है उनकी कंडीशन बहुत खराब है। अच्छा हुआ आप आ गई। खराब मतलब? मतलब जब तक वो कोमा में थे तब तक तो स्टेबल थे, अब अचानक से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। हमने उनके कंसल्टिंग डॉक्टर को बुलाया है, वो बस आते ही होंगे। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ डॉक्टर देखे ही बता पाएंगे। आप प्लीज यही वेट कीजिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना आज यहाँ, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है राहुल। तुम मेरी जिंदगी में तूफान लेकर आए हो। ना तुम धोखे से मुझसे शादी करते और ना ही मैं इस घर में आती और ना ही मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ता। यहाँ सबको ये लगता है कि मैंने तुम्हें फंसाया, मैंने तुमसे शादी की है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि मैं खुद इस शादी के खिलाफ थी। लेकिन अब नहीं, अब और नहीं राहुल, अब मैं सबको इस शादी की सच्चाई खुद बताऊंगी। आखिर तुम्हारे किए हुए गुनाहों की सजा मैं क्यों भुगतूं? क्यों राहुल? हाय मानवी, व्हाट अ सरप्राइज यार, कैसी हो तुम? सुजॉय मैं ठीक हूँ, लेकिन बाबा, सुजॉय बाबा की तबीयत खराब हो गई है। माँ हॉस्पिटल में अकेली है और वो बहुत डर गई है। सुजॉय, मुझे वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। अगर तुम आसपास हो तो क्या वहाँ जा सकते हो? हाँ हाँ मानवी बिल्कुल, तुम परेशान मत हो, मैं अभी निकलता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ। थैंक यू सो मच, मैं तुमसे वही मिलती हूँ। अच्छा आए हाय, जरूरत के टाइम पर जब लड़की किसी को फोन करे
तो मतलब दिल से उसी को अपना करीबी मानती है। मतलब मानवी के लिए आज भी मैं राहुल से बढ़कर हूँ। वाह, देखता रहे राहुल, कैसे तेरे सामने से मानवी को जीत कर ले जाऊंगा मैं। औकात दिखा दूंगा तुझे तेरी। माँ, आइए मानवी बैठिए। अभी मैं आपकी मदर को यही बता रहा था, आज जो फ्रेश रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें आज एक अजीब सी बात सामने आई है। डॉक्टर, कोई बुरी खबर है क्या? डॉक्टर, जो भी ट्रीटमेंट करवाना पड़े हम करवाएंगे। सच कहूं तो ऐसा केस लाइफ में मेरे पहली बार आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं। डॉक्टर प्लीज बताइए ना, वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ मिसेस चटर्जी, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। रिपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, पेशेंट में इम्प्रूवमेंट काफी तेजी से हो रही है। इस बुड्ढे में इतनी जान कहां से आ गई? टेम्पो के नीचे आने के बावजूद बच गया। इसको किसी भी तरह कोमा से बाहर आने से रोकना होगा। ये होश में आ गया तो मैं मर जाऊंगा, क्या करूं? वो मैंने पापा को अंकल के बारे में बता दिया था, तो वो परेशान हो रहे होंगे। मैं उन्हें एक फोन करके आता हूँ। मैं भी आता हूँ।